अंकल जी ये बन वाले चने, बन पे चने लगा के देते। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ कराची का चांडियो एक ब्रांड न्यू इंटरव्यू के साथ। आज हम लोग मौजूद हैं जी बिहार कॉलोनी लियारी में, मच्छर कॉलोनी से होते हुए बिहार कॉलोनी से होते हुए लियारी। वाह। अच्छा, इन गलियों में आने का मकसद पता है क्या है कि कल परसों ना हमारी एक लड़के से मुलाकात हुई, लोग खा रहे थे कल परसों कलेजी, तो वहाँ भाई एक जो है ना वो सबको कलेजी सर्व कर रहे थे, कभी इधर से उधर दौड़ रहा है, कभी उधर से इधर दौड़ रहा है। अच्छा, मेरी नज़र क्या पड़ी कि लड़का बिल्डर है यार। मैंने नासिर को बोला, नासिर भाई लड़का बिल्डर है। हमने जब उससे मिले तो वो वाकई ही बिल्डर था। फिर उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, भाई मैं ये टाइटल जीता हूँ। अबे तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? बोला यार बस ऐसा ही होता है पाकिस्तान में। आपकी मुलाकात कराते, इधर आ जा। ये हमारा है सदाकत। सदाकत को ऐसे नहीं देखना भाई जान, सदाकत जब शर्ट उतारेगा ना हिल जाओगे। मैन फिजिक का लड़का ये, हिल जाओगे आप। सदाकत चलिया, अंदर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ रश भी हो रहा है, सदाकत की पोजिंग वगैरह भी करवाते हैं ना। हाँ, ये जिम है आपका, जिम देख लें। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। सदाकत भाई कोई फीस चीज देते हैं? नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ, अभी वो सब मुझसे नहीं लेते। तो सदाकत भाई एक बात बताओ, मैं भी छुपा रहा हूँ इसकी बॉडी, मैं कुछ ना रखना चाह रहा हूँ क्योंकि इस लड़के को मैंने देखा है और आप भी देखेंगे, हिल जाएगी। वैसा बॉडी बिल्डर नहीं है माचो, ये बॉडी बिल्डर पता है कैसा है, जब शर्ट उतारेगा ना एक एक जगह आपको अलग अलग। और इसकी पॉइंट, ये स्टोरी का पॉइंट जो मैं मुझे मज़ेदार किया ना, क्लिक किया यार, एक बिल्डर बेचारा, या इधर आप जो मैन फिजिक के भी हो और इधर अगर आप जो है ना वो आप तगड़े बॉडी बिल्डर हो, दोनों के लिए ना बहुत खर्चा है, दोनों की डाइट में बहुत खर्चा है। अब ये बेचारा वहाँ काम करता है क्या 300-350 रुपये में? भाई जान डाइट 300-350 रुपये में नहीं होती है, सही है? नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या लग जाता है आपका खर्चा? बहुत मुश्किल हो जाता है, तकरीबन अगर मैं नहीं भी नहीं मर मर के भी करूँ ना तो 500-600 ऐसा ही है कि मेरा माइंड पूरा हो जाए। वैसे तो ये गेम ज्यादा माइंड का ही है। ऐसा ही है कि मेरा माइंड बस पूरा हो जाए कि मैंने यार कुछ तो खाया है, मैं लगा रहा हूँ मैंने कुछ तो खाया है, तो उसके लिए भी 500-600। और वो बोले जो कुछ भी खा रहे हो बस दिमाग को बेवकूफ जरूर बना रहे हो, क्या करे, गेम ही माइंड का ही है। 500-600 रुपये, 500-600 रुपये पाकिस्तान में एक बॉडी बिल्डर की, एक इमर्जिंग बॉडी बिल्डर की जो है ना वो डाइट है। सदाकत दिखा ना यार क्या क्या बनाया हुआ है। मैन फिजिक क्या वेट है, किस वेट में खेलते हो? मैं वैसे मैन फिजिक तो हाइट में खेली जाती है। अच्छा, तो 5'4" है, और बॉडी बिल्डिंग अगर मैं खेलता हूँ तो मेरा 60-65 केजी वेट आता है। अरे होए 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 होए, लड़का कंडीशन में। अच्छा, मजे की बात आता हूँ ना, लड़का जो है ना, लड़का टाइफाइड में था, टाइफाइड में थे जी। कब उठे हो? अभी अभी तो समझो लास्ट टाइम अभी कंपटीशन में खेल के आया हूँ यहाँ पे पाकिस्तान का। अच्छा, सिंध को प्रमोट किया था पाकिस्तान के कंपटीशन में, वहाँ पे सिल्वर मेडल मैंने मारा है। ओए, 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 और मेरी जो बॉडी जितनी भी आप देख रहे हैं ये नेचुरल है, कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, किसी भी तरह का स्टेरॉइड कभी भी यूज नहीं किया। नहीं करो यार, नहीं किया। ये फिर 6 पैक कैसे आ गए? ये बस ट्रेनिंग से आए। हाँ, ये बनते 8 है वैसे, 2, 4, 6। ये अभी ऑफ सीजन है, अभी मेरी डाइट खुली हुई है, जब मैं कटिंग पे आता हूँ तो इससे ज्यादा श्रेड हो जाता है। यार सदाकत, कटिंग पे लड़के कहते हैं मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरफ रहेंगे कैमरे की तरफ। सदाकत भाई लोग कहते हैं मैं कटिंग पे हूँ। जी जी, क्या है कटिंग का हिसाब किताब, क्या छोड़ना पड़ता है उसमें? ऐसा एक चीज बताओ कि जो लड़के छोड़े तो उनको फायदा तो एटलीस्ट हो। मैं सीधा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा यही कि कटिंग जब आप करते हैं तब आप कार्ब्स वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दें। व्हाट टाइप? और कार्ब में क्या क्या होगा? कार्ब में ये होता है कि जिस तरह आप मिल्क पी रहे हैं ना, जी जी, मिल्क भी बंद करते हैं, उसके अंदर कार्ब बहुत होता है, फैट बहुत होता है। सही है। आप जो चीज खा रहे हैं सही, वो कोशिश करें कि उस वो मसाला फ्री हो, ठीक है, ऑयल फ्री हो, ठीक है, और सॉल्ट भी अगर फ्री हो तो ज्यादा बेहतर है। सब बॉइल, हाँ सब बॉइल चीजें, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। जीता है शहजादे, मोस्ट मस्कुलर पोज दे के दिखाना जरा लोगों को। अभी कंडीशन जो है ना, अभी कटिंग शटिंग तो हमारे लड़के की पूरी ओके है, लेकिन चूंकि अभी मुकाबले के दिन अभी दूर हैं, अभी अभी तो बेचारा बीमारी से उठा और मैंने इसको पकड़ लिया। सदाकत एक बात बताऊं? जी जी, जानी खेलते रहें इंशाल्लाह, माइक अपना पकड़ लें, खेलते रहेंगे इंशाल्लाह। सदाकत भाई खेलते रहना, यहाँ से ऐसा नहीं होना कि डिप्रेस हो जाओ एक मुकाबला खेल के। अगर आप खेल रहे हो, आपको आपसे कोई हल्का लड़का हो और आप जीत जाए वो आपसे, तो सर जी फिर भी आपने जो ना वो डिसार्ट नहीं होना इस गेम में। नहीं, मैं मेरी सोच यही है कि मैं कभी जो अच्छा एथलीट होता है वो हारता नहीं है, वो या सीखता है या जीतता है। ऐसा ही है, मैं यही अपना माइंड रखता हूँ और यही रखता रहूंगा इंशाल्लाह। सदाकत यार वो थोड़े से टाइटल तो बताओ, क्या क्या जीता है, क्या क्या किया है? मैंने एक ही साल में 2 दफा डिस्ट्रिक्ट के गोल्ड मारे, उसके बाद कराची से क्वालिफाई किया सिंध में, सिंध में सिल्वर मारा, अभी पाकिस्तान खेल के आया, सिंध के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। तो सर ये सारे अखराजात कैसे पूरे होते हैं आपके 300 रुपए में? बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखूँ,
मैं अपना माइंड बस स्ट्रॉन्ग रखता हूँ। बॉस एक बच्चे ने बात की है कि मैं अपने इसकी उम्र भी मेरे ख्याल से कितनी 18 साल का बच्चा है यार, 18 साल का बच्चा है अभी। 18 साल में क्या क्या खेल चुका है, डिस्ट्रिक्ट, कराची, सिंध, पाकिस्तान क्वालिफाई किया हुआ है लड़के ने, बल्कि खेल के आ चुका है, ठीक है। 25 साल की उम्र में अगर इसके ऊपर कोई हाथ रखेगा तो लड़का जो है ना वो बहुत ही आगे होगा इंशाल्लाह। 25 साल अभी भी 7 साल और बाकी है। ये हमारी आप मैं सच बताऊँ ना, इस जिम की गलियाँ ऐसी हैं कि अगर आम आदमी हो ना वो पहुँच नहीं सकता। सदाकत भाई मुझे एक बात बताओ, काम क्या कर? मैं कलेजी के टीए पे वेटर हूँ। अच्छा, फिर पढ़ाई का क्या सिलसिला है? पढ़ाई भी सुबह जाता हूँ, सेकंड ईयर अभी कंप्लीट किया है और अभी भी रिवीजन में कर रहा हूँ, भले कंप्लीट हो गया, रिजल्ट माशाल्लाह मेरा क्लियर आया है सेकंड ईयर का माशाल्लाह। और साइड कोर्सेज भी अपने कर रहा हूँ, कंप्यूटर वगैरह के एमएस ऑफिस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। टाइपिंग पे भी मेरा फोकस है माशाल्लाह। तो पढ़ाई को भी साथ लेके चल रहा हूँ, फिटनेस को भी और काम को। 18 साल की उम्र में एक इतना ऑर्गेनाइज पाकिस्तानी एथलीट लड़का, 18 साल कुछ भी उम्र नहीं है, 18 साल में 4-5 टाइटल उसने अपनी मदद आपके तहत, और इनके उस्ताद हैं उन्होंने इसके साथ जो है ना वो कॉपरेट किया, तो इसने 18 साल में 5 टाइटल जीत दिए, तो दुनिया में कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। ये तो ये वाला पोज जो है ये तो सिग्नेचर पोज है ना मैन फिजिक का। अब क्वाड्रेंट टर्न राइट सेकंड होता है ये वाला, जो मैं इस स्टाइल में मारता हूँ, पहले बैक दिखाता हूँ, फिर यहाँ से बाइसेप्स दिखाता हूँ और फिर छोड़ता हूँ। नासिर भाई पीछे तुम वीडियो बना रहे हो, तुम खुद सोच रहे हो कि हम भी ऐसे हो जाए? टिड्ढ देखो तुम अपना, फूड व्लॉगिंग कर करके तुमने खा खा के क्या हाल किया हुआ है अपना। दिल तो बड़ा करता होगा यार खाने पीने का, बंदा खाए खूब खाए। हाँ, क्रेविंग्स होती है क्योंकि मेरा जो काम है वो भी कलेजी का ही है, तो जो लोगों को दे रहा होता हूँ जब डाइट पे होता हूँ, लेकिन विल पावर जो अभी ऐसी हो गई है ना कि कंट्रोल की जो है ना वो सलाहियत और बढ़ गई है। मुझे बड़ी खुशी है और मुझे ऐसे लड़कों का ना बहुत ज्यादा एहसास है कि हमारे मुल्क के ऐसे लड़के जो है ना वो आगे जाएं। और मेरा इसके साथ वीडियो बनाने का एक और मकसद भी था। सदाकत भाई जी जी, अगर आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहेगा तो वो आपसे रابطہ करे, ठीक है सर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप ऑनलाइन भी उनको बता सकते हैं अपने डाइट प्लान्स वगैरह, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उनको व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जो भी सिलसिले हैं वो सब कर सकते हैं। सदाकत को सपोर्ट करो यार, हमारा ये एथलीट खुद से कुछ कमाएगा तो खुद पे ही कुछ लगाएगा। चांडियों की ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत शुक्रिया, ऐसी मजीद एथलीट के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।